सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। छठी कक्षा में आज हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 28। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 150 डिग्री का कोण बना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा ले लेते हैं ए बी, यहाँ पे ये हमने रेखा ले ली है ए बी, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। हमने क्या करना है, 150 डिग्री का कोण बनाने के लिए जो आपकी ए बी रेखा है इसको हमने ए की साइड, यहाँ ए हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ए की साइड हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, यहाँ से हम इसको थोड़ी सी रेखा को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक अर्धवृत्त लगा देते हैं डॉटेड, इस तरह से आप देख सकते हैं, और इसके हम नाम दे देते हैं पी और के, इसके हमने नाम दे दिए हैं। और देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जब एंगल करवाए थे 120 डिग्री का और 105 डिग्री का, उसमें भी हमने इस तरह से चाप लगाई थी। तो ये पहली चाप कितने डिग्री की लगती है हमारी, इसका नाम हम डी दे रहे हैं, ये है आपकी 60 डिग्री की। दूसरी जो चाप हमारी लगती है ये हमारी लगती है 120 डिग्री की, और इसका नाम हम देते ई है। अब हमने क्या करना है, एक प्रकार रखनी है हमने ई पर, ई यहाँ नहीं रखनी है, ये ई पॉइंट है तो ई पॉइंट पर रखनी है, और यहाँ से हम के से जो है हम यहाँ से चाप लगाएंगे यहाँ इस तरह से, और एक चाप रखेंगे हम ये के पॉइंट पर, और यहाँ से हम इस तरह से इसको काट देंगे, जो पहले हमने चाप लगाई थी उसको हम यहाँ से इस तरह से काट देंगे, और जहाँ पे ये कट रहा है यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। ये आपका जो पॉइंट आएगा यहाँ से, ये जो आपका पॉइंट आ रहा है, ये रेखा हमारी आ रही है ए सी, इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे सी, और ये जो आपका एंगल बन गया है ये बना है 150 डिग्री का, इस तरह से ये हमने बनाना है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे, हमने पहले बनाया था प्रश्न नंबर 28, अब हम प्रश्न नंबर 29 नहीं बनाएंगे, 29 को हम बाद में बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे 30। तो 30 में क्या है भाई, इसमें दिया हुआ कि ए बी रेखा पर बिंदु ए पर 135 डिग्री का कोण बनाओ, और जो आपका 29वां है उसमें बनाना है 112.5 डिग्री का। तो उसको बनाने 112.5 डिग्री को बनाने के लिए हमें 135 का पहले सीखना पड़ेगा, तो 29 का इसलिए हम बाद में बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे 30। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ए बी रेखा ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपकी ए बी रेखा है, और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ से आपको पता है मैंने 90 डिग्री का कोण आपको बनाना सिखा रखा है, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से, और अब हम क्या करेंगे, ये जो आपकी रेखा है ए बी है इसको हम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जो हमारे दो चापे हम लगाते हैं, एक 60 डिग्री की और एक 50 डिग्री की, 120 डिग्री की, तो उससे बड़ा हमारा कोण है 135 डिग्री का, इसलिए हमें यहाँ पे अर्धवृत्त लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएंगे जैसे हमने 150 डिग्री के लिए लगाई थी, और अब यहाँ से हम जो है वो इस चाप को हम नीचे तक लगा देंगे इस तरह से, और इसके हम नाम जरूर दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं पी और के। तो हम क्या करेंगे, पी से चाप लगाएंगे, पहली चाप हमारी आ गई 60 डिग्री की, दूसरी हमारी आती है 120 डिग्री की इस तरह से, और हम यहाँ पे सीधा ही 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। ये जो चाप आपकी आ रही है ये है आपकी आर, और ये चाप आपकी आ रही है
इसका नाम हम दे देते हैं डी। और हमने पहले आर से चाप लगा दी, अब डी से चाप लगाएंगे और इस तरह से हम ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बना देंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारी जो लाइन है ये डॉटेड आएगी क्योंकि ये सहायक रेखा है, 90 डिग्री का कोण हमारा सहायक रेखा है, ये आप देख सकते हैं। और जहां पे ये रेखा कट रही है ये पॉइंट हमारा आ गया एच। अब हमने क्या करना है भाई, एच पर प्रकार रखनी है और के जितनी प्रकार खोलनी, जैसे ये आपका के है यहाँ पे, और यहां से हमने इस तरह से चाप लगानी है, फिर हमने के पर प्रकार रखनी है और एच जितनी प्रकार हमने पहले ही खोल रखी है तो इस तरह से हम इसमें ऐसे चाप लगा देंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, यहां जहां ये दोनों चाप आपस में कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया एन। अब आपने क्या करना है, ए और एन पर हमने फुटा रख करके इसको डार्क मिला देना है इस तरह से। ये आपका एंगल बन गया है 135 डिग्री का। ये आपका प्रश्न नंबर अभी 30 बना है, इसके बाद अब हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 29। अब हम बनाएंगे प्रश्न नंबर 29। ए बी रेखा पर बिंदु ए से प्रकार द्वारा 112 डिग्री का कोण बनाओ। तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने पहले अभी 30वां बनाया था ना, पहले हमने क्यों बनाया था, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पहले 135 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले तो हम ए बी रेखा ले लेंगे और यहाँ जहाँ हमारा ए है ना यहाँ से आगे हम डॉटेड लाइन लगा देंगे, ये पहले ही हम लगा देते हैं, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट आ गया ए, ये हमारा पॉइंट है बी। और अब हम सबसे पहले इसमें पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर हम यहाँ से इसमें 135 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो मैं जल्दी से इसमें पहले 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ, इस तरह से अब देख रहे हैं ये जो चाप हमने लगाई है इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं पी के, पी और के। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पहली चाप 60 डिग्री की, दूसरी चाप हमारी है 120 डिग्री की, और ये हम यहाँ पे इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण इस तरह से। हमने 150 डिग्री का 135 का यदि कोण बनाना है तो कैसे बनाएंगे, या हम नाम दे देते हैं इसका एन, और हमने क्या करना है एन से के जितनी प्रकार खोलनी है ये देखिए, और हमने यहाँ से चाप लगा देनी है के से एन जितनी, तो इतना ही है ये यहाँ से। अब पीछे तक भी ले सकते हैं चाप, यहाँ तक भी इस तरह से, और ये जहाँ पे चाप पे कट रही है यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका M, और हमने A और M को यहाँ हम इसको डॉटेड मिलाएंगे क्योंकि ये हमारे से 135 का नहीं पूछा गया है, ये जो आपका कोण बन रहा है ये बना आपका 135 डिग्री का। और हमने क्या बनाना है 112 डिग्री का, यहाँ जहाँ पे ये लाइन कट रही है चाप के साथ यहाँ हम नाम देते हैं इसका S। अब हमने क्या करना है N से हमने या तो आप ऐसे जितनी प्रकार खोल दो या इतनी प्रकार खुली रहने तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप ऐसे चाप आगे लगा दो या आप ऐसे जितनी एन से एस जितनी भी खोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और फिर यहाँ से आपने इस चाप को एस से आपने इस चाप को ऐसे काट देना है जहाँ पे ये कट रही है चापें आपस में यहाँ पे, यहाँ हम नाम दे देते इसका ई, ये हमने ई नाम दे दिया है। ये जो आपकी यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट हम ई के साथ मिला देंगे यहाँ पे, और हम इसको मिलाएंगे डार्क इस तरह से। आप देख सकते हैं ये हमने डार्क मिला दिया है, और ये जो आपका कोण बन रहा है ये बना आपका 112 डिग्री का इस तरह से। ये 112 डिग्री का कोण आपका बन गया है, और ये आपका प्रश्न नंबर है 29। इसलिए हमने पहले 30वां बनाया था क्योंकि हमें 135 डिग्री के कोण की हेल्प चाहिए थी, और ये हमें
तभी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से ये आज आपके तीन प्रश्न बन चुके हैं, 28, 29 और 30, एक 150 डिग्री का, एक आपका 135 का और एक आपका 112.5 डिग्री का एंगल आपका तैयार हो चुका है।